दोस्तों आज के डेट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्रिल मशीन। हर घर का नीड है ये, लेकिन जब भी हम बाई करने जाते हैं हम कंफ्यूज कर देते हैं बहुत सारे ब्रांड्स के साथ, एंड चाइनीज कंपनी का जो बहुत सस्ता हम लोगों को ड्रिल मशीन मिलता है वो हम लोगों को बाई करना चाहिए कि नहीं, वो इसी वीडियो में रिवील करेंगे। एज वेल एज ये स्किल कंपनी का ड्रिल मशीन है, इसका ईच एंड एवरी फंक्शन इस वीडियो में बताएंगे। एंड कंपनी ऑफर करता है 2 फंक्शंस और मैं और एक फंक्शन ऐड कर दूंगा जो इसे या फिर कोई भी ड्रिल मशीन को आप कटर की तरह कैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड आपको साथ ही साथ रिकमेंड करेंगे और 2 कंपनी जिसका भी ड्रिल मशीन आप बाई करोगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल एंड लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट होगा। सो गाइज प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए ताकि ये कटर वाला फंक्शन आपको एकदम क्लियर हो जाए। एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। दोस्तों देख लेते हैं इस बॉक्स के अंदर हमें क्या मिलता है। ये 550 वाट का स्किल कंपनी का जो एक अमेरिकन कंपनी है, वैसे ही बॉस एंड ब्लैक डेकर ये दोनों कंपनी भी सेम पैटर्न का ड्रिल मशीन बेचता है, तो आप कोई सा भी बाई कर सकते हो। अब देख लेते हैं ये सूटकेस के अंदर हमें क्या क्या मिल जाता है। तो इसे खोलने के लिए ये जो नॉच है दोनों साइड का इसे हमें खोल देना है, एंड खोलने के बाद ये हमारे पास ओपन हो जाता है। ओपन करने के बाद हम लोगों को मिलता है एक ड्रिल मशीन एंड साथ ही साथ ऑलमोस्ट 2 मीटर के आसपास केबल, तो आप लॉन्ग डिस्टेंस पे भी काम कर सकते हो। एज वेल एज आपको मिलता है ये केबल के साथ एक की। ये की होता है मेनली जो हम लोगों का ड्रिल बीट होता है उसे यहाँ पे इंसर्ट करके टाइट करना, क्लॉकवाइज घुमाने से टाइट हो जाता है एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाने से ये आप ओपन कर सकते हो कोई भी ड्रिल बिट। तो ये ड्रिल मशीन का मैं टोटल जो फंक्शन है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे है ये जो ट्रिगर है, आप जानती हो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है एंड इसके साथ आपको 2 फंक्शन मिल जाता है, एक है क्लॉकवाइज एक है एंटी क्लॉकवाइज। इसका बटन है ये अगर आप ऐसे प्रेस करोगे तो ये आप देख सकते हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा, एंड इसे अगर उस साइड में आपने लॉक कर दिया देन प्रेस करने से ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे एक लॉक फीचर है भी है, अगर आपको कॉन्स्टेंटली काम करना है तो इसे बस ऐसे करके कर दीजिए एंड बहुत साउंड हो रहा है, आप यहाँ से लॉक कर सकते हो ये ट्रिगर को पूरा पुल करके। एंड इसके साथ इसके जो पकड़ है उसे मजबूत करने के लिए आप यहाँ से इसको ऐसे करके इंसर्ट करके ये हैंडल को यूज़ कर सकते हैं। इसे भी क्लॉकवाइज घुमाने से हम लोगों का ऑटोमेटिकली ये हैंडल फिक्स हो जाता है, तो आप स्टेबल वे में काम कर सकते हो एंड इसे कहीं पे भी आप फिक्स कर सकते हो। एंड दोस्तों और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके साथ हम लोगों को मिल जाता है होम यूटिलिटी टूल में, एक इस टाइप का ये जो आप देख सकते हो इस टाइप का एक स्केल, बहुत टाइट है स्केल, निकाल देता हूँ, ये प्लास्टिक का एक स्केल है। इसे लगाने के लिए ये हैंडल को आपको ज़रूर लगाना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट जो साइज़ का आप नट एंड बोल्ट यूज़ कर रहे हो उसे यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे आपको प्रेस करना पड़ेगा एंड प्रेस करके इस स्केल को आप लोग ऐसे करके इंसर्ट कर सकते हो। अब अगर स्क्रू का साइज़ जितना है उस मेजरमेंट में इसको आप मेज़र करके ये वॉल के साथ अटैच करके आप आराम से कोई भी वॉल या फिर वुडन फर्नीचर या फिर कोई भी चीज़ में इंसर्ट करके आप इसे वर्क कर सकते हो। एंड इसके साथ आपको मिल जाता है ऑलमोस्ट 4x8 बिट जो होता है मेनली ये सारे जो है ये आयरन के लिए है, आयरन या फिर हार्ड सरफेस उसे आप लोग होल्ड कर सकते हो इसके साथ। एंड ये होता है अगर आप घर पे टाइल्स है मार्बल है उन सबको या फिर कोई भी वॉल वगैरह दोनों से ही आप वो सारे काम वर्क आराम से होल्ड कर सकते हो। एंड फाइनली आता है इसका सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर जो है वो है ये ड्रिल मशीन के हिसाब से काम तो करता ही है एज वेल एज इसे आप स्क्रू ड्राइवर के हिसाब से भी काम कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको जस्ट फिक्स करना है एंड आफ्टर दैट ये आपको जो स्क्रू ड्राइवर का हेड है ये हेड को आपको सेट करना है, तो इसे आप ऐसे सेट करके आप कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकते हो। क्योंकि बहुत साउंड होगा इसीलिए मैं टेस्ट करा के नहीं दिखा रहा हूँ। अब इसका ये वाला फंक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो एक पार्ट है हैमर जैसा जो दिखता है, ये होता है इसका RPM बढ़ाने का है, इसका मतलब है रोटेशन बहुत तेज़ी से होगा। एंड इसे आप लोग मीडियम में सेट कर सकते हो जो बीच में आ जाएगा। एंड अगर स्क्रू ड्राइवर यूज़ करना है तो आप ऐसे करके ये जो हैमर का उल्टा साइड होगा 3 डॉट आपको देखने को मिलेगा, वो 3 डॉट में सेट करके आप स्क्रू ड्राइवर को भी आराम से आप देख सकते हो मैं अगर प्रेस करूँ तो धीरे धीरे ये मूव करेगा, तो ये स्क्रू ड्राइवर मोड हो गया। एंड आप जब भी इसे हैमर मोड पे सिलेक्ट करोगे या फिर मीडियम मोड पे सिलेक्ट करोगे ये बहुत ज़्यादा रोटेट करेगा। सो गाइस ये था ये कंपनी से दिया हुआ हम लोगों को कुछ
दो फंक्शन एंड मैं वो और एक फंक्शन आपको दिखाता हूँ जो मैं खुद DIY करके बनाया हूँ। इसे कटर की तरह भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। कटर की तरह यूज़ करने के लिए क्या है, कोई भी ग्रिल फैक्ट्री अगर आपके घर के आसपास है या फिर ये ऑनलाइन में भी बाई करने को मिल जाता है, एंड आपको एक नट एंड बोल्ट जस्ट बीच में सेट करना है एंड इसे आप आराम से कटर की तरह यूज़ कर सकते हो। ये मैंने खुद बनाया है, आप भी बना सकते हो, बहुत आसान है। अगर कोई भी ग्रिल फैक्ट्री में मिल जाता है यूज़ किया हुआ तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया, या फिर सेपरेट से 200-300 रुपए में आपको इस टाइप का बहुत सारा वेरिएबल टाइप का मिल जाता है। एंड इसे आप यूज़ करके आराम से इसे टाइट करके कोई भी सरफेस कट कर सकते हो, चाहे वो वुडन फर्नीचर हो या फिर आयरन तक, या फिर इसे आप लोग यूज़ कर सकते हो कोई भी पॉलिश वगैरह के काम पे, या फिर स्पंज लगा के भी आप यूज़ कर सकते हो, ताकि कार्ड वगैरह जब हम लोग शाइन करने के लिए जो पॉलिश यूज़ करते हैं उसका भी आप DIY करके यहाँ पे एक स्पंज लगा के आप उसे शाइन कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये सेट कर दिया। अब अगर मैं इसे ये करूँ तो ये रोटेशन में मूव होने लगेगा। इसी तरह से आप आयरन हो या फिर कोई भी हो, आप उसे आराम से कट कर सकते हो। लिंक में इस मशीन का भी लिंक मैं दे दूंगा, एज वेल एज और दो मशीन है जो है बॉस कंपनी का एंड या फिर ब्लैक एंड डेकर कंपनी का। ये दोनों ही कंपनी अमेरिकन बिल्ट है एज वेल एज स्किल कंपनी। तो उस कंपनी का भी सेम टाइप का मॉडल मिलता है, आपको प्राइस के हिसाब से जो बेटर मिलता है वही आप बाई कर सकते हो। सो गाइज, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द बेल आइकन एंड दोस्तों को जरूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग यूट्यूबियन डेज।